तो गाइस स्वागत है आप लोगों का डीजीटीडी के एक और नए वीडियो में। आप लोग सब बड़े होंगे। तो आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हमारे प्यारे टॉम राइडर राइज ऑफ टॉम राइडर सीरीज को। और पिछला और ये वाला एपिसोड है टॉम राइडर का दूसरा एपिसोड। अगर आपने पहला वाला एपिसोड नहीं देखा तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो पिछले वाले एपिसोड में हम लोग, मतलब मैं, लारा और लारा का दोस्त जोना निकले थे एक लॉस्ट सिटी ढूंढने के लिए, ठीक है। तो उसी में हम लोगों ने अपना पहला जो चीज ढूंढने का निर्णय किया होता प्रॉफेट का कबर, क्योंकि प्रॉफेट के कबर में प्रॉफेट का लाश होता है और एक स्पेशल चीज होता है, जो जिस स्पेशल चीज के साथ हम लोग उस समय के बहुत सारे लोगों को जो डिजीज होता है उन डिजीज को क्योर कर सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग इस वाले नए एडवेंचर में गए थे। तो इस वाले सफर में हम लोग अकेले नहीं थे, हमारे साथ तो नहीं था, लेकिन हमारा दुश्मन था जो था ट्रिनिटी, और ट्रिनिटी भी उस चीज को पाना चाहता था। तो जब लारा उस प्रॉफेट के कब्र के पास पहुंची, तब वहां पर कब्र में प्रॉफेट का लाश भी नहीं मिला और वो स्पेशल चीज भी नहीं मिला। लेकिन तब ये आगमन हो गया था ट्रिनिटी का कमांडर का। तो ट्रिनिटी का कमांडर के साथ लारा का थोड़ा मसला हुआ। फिर लारा उस कमांडर के चंगुल से बचने में सफल हो गई थी, लेकिन फिर उसी समय उनको लारा को एक स्पेशल आकृति दिखा, जो आकृति नए वाले जर्नी की इशारा दे रहा था, जहां पर हो सकता है कि हमें प्रॉफिट का वो स्पेशल चीज और लाश भी मिल सके। अगले दिन हम लोग निकल गए एक नए जर्नी में। तो अब हम लोग फंस चुके इस वाले जगह पे। तो ये वाला जगह है साइबेरिया का नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पे हमें सर्वाइव करना है, मतलब सरवाइव करते हुए आगे बढ़ना है। वैसे जगह बहुत ज्यादा ठंडे वाला है। और एक चीज, अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को भी लाइक करना। तो मिल ओके, तो हमें कैंप मिला है भाई, ये वाला होने वाला अपना पहला कैंप। तो यहाँ पे कैंप फायर भी है, तो हमें कैंप फायर को जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ वकड़ियाँ चाहिए, जो हमें आसपास से कलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से मिल जाएगी हमें लकड़ियाँ बहुत सारी, और हमें और भी चाहिए भाई, करीब 300 लकड़ियाँ चाहिए। और यहाँ पे किरण की लाश भी है, जिसको थोड़ी देर पहले किसी ने मार के रखे गया था यहाँ पे। मेरे को लग रहा है यहाँ पे उल भी है, आई थिंक। तो आग जलाने के लिए जो जो चीजें चाहिए आई थिंक हमें कलेक्ट हो गया। अभी हमने कैंप फायर में आग लगाते हैं और एक शेल्टर बनाते हैं, लेकिन मौसम बहुत ज्यादा खतरनाक होते जा रहा है भाई। ओके, आग तो जलाना हो गया और आई थिंक शेल्टर भी बन चुका है, वेरी गुड। सबटाइटल्स आना बंद कैसे हो गए भाई? Assist us, but we'll have the situation in hand soon enough. Good. Trinity has faith in you. Trinity. Trinity.
तो लारा को मिल चुका है लारा का अल्टीमेट हथियार जो कि एक तीर धनुष है। Going to need a stronger bow. तो हम लोग इस बेस कैंप से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है? So familiar, like looking an old enemy in the eye. It wants to take me down. It wants me to just lie down and die. But I won't. I can't. There's something here. There must be, or Trinity wouldn't be in this snowy hell. I just hope that Jonah is okay. That he found a way back. I just couldn't risk having him with me. Not again. The pain of losing him, that would be too much to bear. This is my path. लारा बोल रही है कि ये जो दर्द है, जो ठंडी वाली दर्द, ये फैमिलियर ना हो। इस दर्द का अनुमान वो लगा रही है एक पुराने दुश्मन की आंखों में देखना, और ये चीज उसको मार रही है। चाहती है कि लारा हो जाए और मर जाए, लेकिन लारा कभी ऐसे नहीं कर सकती, उसको उठना पड़ेगा। और ये भी चाहता है कि इस खतरनाक जगह पे ट्रिनिटी ना हो, और उसके साथ ये आशा जोना जहाँ भी हो ठीक हो और वो वापस लारा के पास आ जाए। और वैसे वो नहीं चाहती कि जोना लारा के साथ इस जर्नी में आए, क्योंकि अभी जो ठंडी वाली दर्द लारा को मिल रही है, ये वाले दर्द से बड़ा दर्द होगा जोना को खोना। भाई जोना को खोना, ये जो रास्ता है वो लारा का है, और लारा अकेला इस रास्ते पे चलेगी। तो तीर को हम थोड़ा सा डैमेज अपग्रेड कर सकते कुछ चीजों बदल के, क्योंकि हो गया। बाकी और भी अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी हमारे पास सामान नहीं है। तो इसको भी अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी सामान नहीं है। और हम अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं, बहुत तरीके के कपड़े होते हैं, और जो कपड़े होते हैं ना, उस कपड़े की मदद से हम लोग कुछ अच्छे अच्छी जगह पर जा सकते हैं। उसके कुछ स्पेशल फीचर्स भी होते हैं। आई थिंक कुछ कपड़े हमको ठंड से बचाती, ये वाला कपड़ा मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई थिंक रात में और कुछ नहीं है, और मैप पे कुछ नए चीज़ अपग्रेड भी हो चुकी है। ये वाला जगह अपना नेक्स्ट वाला मिशन, और बाकी थोड़ा सा छोटे छोटे चीज़ें भी है, छोटे छोटे मिशन जो हम लोग देखेंगे बाद में। भाई ये वाले कपड़े थोड़े ज़्यादा ही ठंड लग रहे हैं भाई, मेरे को कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। और कुछ स्किल्स भी मिले हैं भाई, एक स्किल हम बाद में देखते हैं। एक बार में जब बहुत सारे स्किल मिल जाएंगे तब देखते हैं। ये वाला कपड़ा, ये वाला कपड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक मार्क्स भी है, और थोड़ा कपड़ा थोड़ा बड़ा भी है, मतलब सर्दियों के लिए तो बेस्ट है। बेस्ट नहीं, हाँ अभी इसमें, हाँ अभी भी फिर भी कांप रही है ये। चलो कांपते कांपते मेरे को कुछ हंटिंग भी करना पड़ेगा, किल इसकी एनिमल्स। अच्छा हम लोग हमको एनिमल को मार के उसका स्किन भी मिलेगा, जो कि हमें कलेक्ट करना चाहिए, और बहुत सारे रिसोर्स भी मिलते हैं, जैसे लकड़ियाँ, हार्ड वुड, जिसमें हम लोग अपने तीर बना सकते हैं। और ये स्पेशल चीजें भी लूट सकते हैं। और जानवर हमें देखते ही भाग जाते हैं भाई, इसलिए तो मार नहीं पाता भाई। और इसको तो मारना भूल ही जाओ भाई, ये तो मरेगा ही नहीं। ये हम लोग इसको मार सकते हैं। और कुछ फेदर्स मिल गए, ये छोटी वाली हिरन को तो मार सकते हैं, लेकिन वो भाग गए। चलो कोई बात नहीं, हम लोग इधर से चलते हैं। वो आसपास ट्रिनिटी है भाई, वो लोग यहीं पर ही है। साउंड सुन के जो ऐसा लगा ट्रिनिटी के साथ बियर है भाई, और वो लोग और वो बियर ट्रिनिटी के ऊपर हमला किए, और ट्रिनिटी के कुछ लोग तो मारे गए सुन के ऐसा लगा। क्योंकि अपने पास जो रेडियो है उसमें कुछ अलग वाला सिग्नल आया, और उसमें से मेरे को ये पता चला। आसपास कुछ चीज़ें हैं भाई और जो हम लोग देख सकते हैं। ये कुछ है मंगोलियन के, जो पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है।
But I can't read what it says. इसको पढ़ने के लिए अपना जो लेवल है ना थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा. ये छोटी छोटी लूट्स होती है जो मिलती है और मैप थोड़ा अपग्रेड होता है. यहाँ पर मिलेगा फ्रेदर और ठंड भाई बहुत सारा है तो हमको आगे बढ़ना है. लेट्स गो. और आई थिंक आगे खतरा होने वाला है भाई, मेरे को थोड़ा संभाल के जाना पड़ेगा. म्यूजिक जितना गहरा हो रहा है ऐसा लग रहा है खतरा थोड़ा और ज्यादा बढ़ रहा है. कौन मिलेगा यहाँ पे? Survey team, please respond. We got some interference on that last transmission. Oh my God! भालू! डॉच करो, भागो! भाग, 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 भाग! लोरा भाग! और सामने जगह नहीं है, घुस जा अंदर. चल बे भालू हट. अरे भालू चल, फूटो इधर से भालू, आना नहीं. मैं किसी का आदमी नहीं हूँ, मैं औरत हूँ. भाग भाग भाग, सामने खाए ये. बचो बचो. अरे यार मार दिया. अच्छा मेरे को वहाँ पे काउच होना है, उससे बचना है और फिर उसके ऊपर हमला करना है. बचो चल फूट. भाई भालू बहुत पावरफुल है, मैं गिरा. अच्छा ये भालू का जगह है भाई. पुरानी यादें. Lara, refusing to use the door again, I see. But it's faster this way, Dad. Come here, you little monkey. Are you going on another adventure? Yes, my greatest one yet. Well, I've decided that I should be your assistant. Oh, have you? Well, there's no one I'd rather have by my side. But this business, it's too dangerous. Lara, listen to me. Someday, you're going to make such a mark on this world. You're going to make me so proud. Give me a moment, darling. I need to take this. लारा के पिता अपने खतरनाक एडवेंचरस लाइफ की वजह से थोड़ा चिंतित थी और उसने ये भी एक्सप्रेस किया कि उसके काम को सपोर्ट करने के लिए उसकी बेटी है, मतलब लारा है, और इसके लिए वो बहुत ज्यादा गर्व है लारा के ऊपर. लारा ने अपने पिता के साथ देने की बात की और ये कमिटमेंट भी की कि वो अपने पिता के साथ हमेशा रहेगी. ये चीजें लारा और उसके पिता का जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है. और लारा जानती है कि अभी जो वो जिस एडवेंचर पे निकला है वहाँ पे वो अकेला नहीं है, उसके पापा उसके साथ है. तो सबसे पहले कुछ चीजें जुगाड़ करनी पड़ेगी जिसपे हम लोग हील हो सके, लारा को हील हो सके. फिर हम लोग कुछ ऐसा जुगाड़ बनाना पड़ेगा जिससे हम लोग भालू को मार सके. ओ भाई साहब ये ट्रिनिटी का जगह है. ओके मैं हील तो हो गया. तो ये मंगोल का इलाका है ठीक है, और हमें यहाँ से जाने के लिए बियर के इलाके से जाना पड़ेगा. लेकिन
इसके लिए सबसे पहले बीआर को हराना भी पड़ेगा, वरना बीआर हमें हरा देंगे। Those mushrooms, they're death caps. I should be able to make a poison. ओके तो ये यहाँ पर कुछ मशरूम्स है जो मशरूम एक पॉइजन तीर बनाने में मदद करेगी, और इस पॉइजन तीर की मदद से हम लोग बियर को हरा सकते हैं, मतलब मार सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा गुफा टाइप का, आई थिंक हमें यहाँ पे बहुत सारे मशरूम मिल सकते हैं। मिल सकते क्या, मिल रहा है भाई, ये देखो मशरूम, ये आया मशरूम। ओके मशरूम आ गए, आई थिंक हम अभी तीर बना सकते हैं। हमें थोड़ा और ज़्यादा मशरूम चाहिए, अंदर आई थिंक बहुत मशरूम मिलना चाहिए। हाँ ये देखो मशरूम मिले। ओके हमें यहाँ पे बस क्लोथ चाहिए, क्लोथ, और इस जगह में, इस जगह में ये कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। क्या है भाई ये, मैग्नेशियम है, आई थिंक मैग्नेसाइट है, जो कुछ अलग तरीके के तीर बनाने में मदद करेगी। और कुछ है, और थोड़ा ये इस लास्ट की बायोग्राफी है। मैंने पैगंबर की कब्र के अंदर हुए नरसंहार से सब कुछ सीखा है। पिछले कुछ दिनों में किसी समय मेरे भाई मारे गए। झूठे पैगंबरों के अनुयायी यहाँ सैकड़ों की संख्या में मारे गए, लेकिन अंत में जीत उन्हीं की हुई। जहाँ तक संभव हो मैंने कब्र को सील कर दिया है और आसपास के गांवों के लोगों को बताया कि पैगंबर आखिरी बार मर चुके हैं। मैंने उन्हें एक उपशीर्षक धमकी के साथ छोड़ा कि यह स्थान छिपा रहना चाहिए। मुझे नहीं पता कि पैगंबर जीवित बचे या नहीं, लेकिन मैं उनके रास्ते पर चलूंगा। आदेश के अवसर से कोई नहीं बच पाया। सारी सारी रिसोर्सेज यहाँ पे कलेक्ट हो चुके हैं, अभी निकलते हैं इस गुफा से। और कुछ है भाई गुफा में? नहीं, ये छोटे छोटे झाड़ियाँ, इसके उस पार भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अभी इसको जलाना पड़ेगा, और जलाने वाले तीर अभी तक हमारे पास आए नहीं है। धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे तो धीरे धीरे इस वाले जगह पर भी आ जाएंगे। ओके आई थिंक हम लोग अभी बना सकते तीर, और इसके लिए हमको जाना पड़ेगा अपने पुराने वाले बेस पे। पुराने वाला नहीं, जो बेस मिला था हमको वहाँ पे, जो कि उस पार है। ओके बेस में तो आ गए, अब चलो बनाते पॉइजन एरो। बना पाएंगे पॉइजन एरो? हाँ बना तो पाएंगे, लेकिन है नहीं अभी। लेकिन तीर अपने पास है, दो तीर है अपने पास पॉइजन एरो के, ये देखो। लारा के पिता उसके प्रतिष्ठा के बारे में चिंताओं में डूबे थे, एक बहुत ही गहरी खोज में। वो किसी भी धमकी को स्वीकार करता है और लारा को अस्वस्थ करता है, और उसके डर के बावजूद वो
किसी महत्वपूर्ण चीज के बहुत ज्यादा करीब है। लारा उससे अनुरोध करती है कि वो अपने काम से पति अपना जुनून के बजाय अपने रिश्ते को प्राथमिकता दे। वो चाहती है कि मतलब लारा चाहती है कि उसके पिता पहले जैसे लारा की देखभाल करने वाला पिता बने। अरे जा औरत जा, भाग सोफिया भाग। आई थिंक हम इससे मिलने वाले हैं बहुत जल्द। सोल्जर को अपना टेंट भी दिख गया, यहाँ पर आग जल रहा है भाई। सोल्जर आजा मरने के लिए। लारा को पहले से पता चल गई थी, इसे लारा भाग गई यहाँ से, कहीं और छुप गई। लारा है कहाँ पर भाई, छुपा कहाँ पर है भाई ये? आगे बढ़ो आगे बढ़ो सोल्जर, मौत के पास आगे बढ़ो। ओके अभी हम लारा के पास आ गए। ओके ये वाला वो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आता है। लेट्स गो। ओके मर जा भाई, खत्म हो जा अभी। चल फूट, पत्थर से फूंक दिया भाई इसको। और भी लोग है भाई, वो देखो। चल भाई मारे, और बहुत बात हो गया, और बात करने की जरूरत नहीं है, मजा। और ये रही अपनी तीर और धनुष, उठाओ भाई तीर और धनुष उठाओ, आगे बढ़ो। यहाँ पे और भी ज्यादा लोग है भाई। वैसे लोग बात कर रहे थे कि कोई दूसरा दल है जो डर के पीछे चला गया, और इन लोगों का जो सर्वे टीम है वो कहीं खो चुका है। इन लोगों का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है इस सर्वे टीम को ढूंढना। और अपने पास दो तीर है, ठीक है, पॉइजन वाले, जो अभी अभी यहाँ पे यूज नहीं करने। मेरे को पॉइजन वाले एरो बियर के साथ जब मारा मारी करेंगे तब यूज करने। और यहाँ पे जो लोग है वहाँ पे इस वाले एरो से मारने हैं। The natives set snares in the clearing. They must have planned for us to pursue. God damn it. They weren't retreating. This was a feint. They're still out there. आवाज तो आ रहा है, बंदा दिख नहीं रहा है, वो रहा बंदा। Let's go. मरने के लिए रेडी हो जाओ। Someone's gonna have to. Bye bye. ये देखो यहाँ पर भी एक बंदा है। इतनी दूर से मरेगा? Headshot. Headshot. लगा। ये लटका रखा है इसको यहाँ पे। ये आई थिंक वही आदमी है जो सोफिया के साथ था, लेकिन सोफिया यहाँ पर नहीं है। बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ना पड़ेगा, और आंखें खुली रख के आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि लोग हैं यहाँ पे। आई थिंक ये लोग भी ट्रिनिटी के आदमी हैं। मैं लाइट फॉलो करने की, लाइट कहाँ से आ रही है? लाइट उधर से आ रही है, मतलब लोग उधर है। ये रहा, खत्म। ओके यहाँ पे और भी लोग हैं। उसको तो देख लिया कि वो मर गया। म्यूजिक बहुत ज्यादा गहरी होती जा रही है, मतलब लोग आसपास भर भर के है। ऐसा लग रहा है मेरे आसपास ही लोग हैं भाई। अरे चल, मेरे को मिला ना तू। तू मेरे को नहीं ढूंढा, मैंने तेरे को ढूंढा और मार भी दिया। म्यूजिक थोड़ी लो हुई, मतलब All teams, keep your eyes open. The natives booby-trapped the woods. लास्ट को लूट लेते हैं। Heads up, we haven't restored the uplink. Expect interference on all transmissions. ये देखो यहाँ पर भी एक और लोग है। इतनी दूर से हेडशॉट तो लगेगा नहीं, ये थोड़ा और पास जाना पड़ेगा। यहाँ पर ही आ रहे भाई। म्यूजिक जितना गंभीर होगा तो समझ लेना भाई लोग आसपास ही है। इधर ही आ रहे है। पकड़ ना ले मेरे को बस।
उड़ा सामने से आ रहा है भाई। भाई म्यूजिक इतना खतरनाक है बहुत। ये रहा आदमी, इसको तो मार सकता हूँ मैं। चल मिला मिला मिला, खुद डूब जाओ यहाँ पे। ओके ओके ओके, एक ही आदमी है, चिंता की कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं, एक ही आदमी है। अभी समय है, मार। चल जब इसको लोडिंग के टाइम भी मारने का है, जब बंदा लोड कर रहा होगा तभी मारेंगे। ओके चलो, ये दोनों ही था यहाँ पे, दोनों ही मर गए, काम खत्म। और लोग मिलेंगे क्या आसपास? और है आई थिंक वहाँ पे एक और, यहाँ पे एक और है। यहाँ इतनी दूर से मरेगा? चलो नहीं मरा, नहीं मरा, नहीं मरा। लाल हाथ हो रहा था। ओके लगा, मर गया आई थिंक। ये दूर से मरा, इसका हेड शॉट नहीं मार पाया इसको, इसको बस बॉडी शॉट से सुला दिया। और नहीं है कोई आसपास, या फिर और एक बंदा है? ऐसा लग तो रहा है कि और एक बंदा है, नहीं बस यही है। मर गया? नहीं है, मर गया। ऐसे पता नहीं कुछ आग मग जलती होगी। ये किसका मैसेज बॉक्स है? हम कमर कस रहे हैं। मैं पुराने सोवियत प्रतिष्ठान को सुरक्षित करने के लिए सीरिया की पहली उड़ान पर था। अब हर मिनट अधिक लोग आ रहे हैं। कॉन्स्टेंटाइन ने नए जूतों को भाषण दिया और मैं प्यार देखने के लिए पीछे बैठा रहा। उन्हें बोलते हुए सुनना कभी बूढ़ा नहीं होता। मैं विश्वास करने के पक्ष में कभी नहीं था, लेकिन पहले मैं और भी बुरा था। ये कुछ और है इसकी सच्चाई। मैं एक बार टूट गया था, लेकिन ट्रिनिटी हमें एक उद्देश्य देकर फिर से संपूर्ण बना रही है। एक नई दुनिया इंतजार कर रही है। यहाँ तक कि जो लोग विश्वास नहीं करते उन्हें भी इसमें भूमिका निभानी होगी। वक्त आ चुका है भालू को मारने का, लेट्स गो। यही वो जगह था ना जहाँ से मैं गिरा था आई थिंक। लग तो ऐसा ही लगा है। भालू अभी भी इधर है। भालू के रास्ते में बहुत सारी चीजें। ओहो यहाँ पे और ज्यादा मशरूम मिला, ये देखो। भालू को हम लोग ऐसी मौत देंगे, ऐसी मौत देगी कि इस मौत का वो लाइफ में कभी कल्पना भी नहीं कि उसको ऐसी वाली कोई मौत मिलेगी। चुपचाप चलते भाई भालू के गुफा में। ये रहा भालू। चल भालू मरने का वक्त आ चुका है, तो उसको मैं पॉइजन से मारूंगा। पॉइजन टाइम। मर जा। वो ये भालू आ रहा है पास। ओ मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। चलो बहुत बढ़िया भाई, भालू एकदम पास आके मरा। मेरे को लग रहा था भाई मैं मरा, नहीं भालू जितना भी पास नहीं आ पाया। चल भालू अपना जो भी है दे दे। भालू का स्किन ही मिलेगा और तो कुछ नहीं मिलेगा। भालू ने यहाँ पे कितने सारे लोगों को मार के रखा है भाई। ये देखो मुंडिया डब्बे। भालू के पास ही सबसे अच्छे लूट मिलेगी आई थिंक। यहाँ पर भी कुछ अच्छा चीज मिलेगी। सेमी ऑटो पिस्टल पार्ट। अच्छा पार्ट मिला पिस्टल का कोई तो, बहुत सारे पार्ट पार्ट मिलके फिर हम लोगों को पूरा पिस्टल मिल जाएगा। यहाँ पे ओके, यहाँ पे कुछ और है, मशरूम है। मैं एक और मशरूम वाली तीर बना लेता हूँ। कितने है वैसे?
दो मशरूम वाले तीर है, मैं एक और नहीं, और नहीं है भाई, मशरूम नहीं है। और यहाँ पर भी किसी आदमी का जनरल रखा है कुछ। पैगंबर और उनके अनुयायी एक रात की आड़ में यात्रा कर रहे थे। वह पूर्वी साम्राज्य की सीमा के चारों ओर घूम रहे थे। मैं नहीं जानता कि वे किधर जा रहे हैं और मुझे संदेह है कि वे जा भी नहीं रहे हैं, लेकिन वे जानते हैं कि हम उन्हें तब तक चैन से नहीं बैठने देंगे जब तक उनका पाखंड दूर नहीं हो जाता। सीमावर्ती इलाकों के आम लोग उसे आश्रय देते हैं और मुझे यह उत्सुकतापूर्ण लगता है कि किसी के पास नहीं है उसे जोड़ा, कोई काम की बात बताइएगा। यहाँ तक कि जब मैं उन्हें ट्रिनिटी के प्रकोप की धमकी देता हूँ या उनके गले पर चाकू की धार छूता हूँ, तब भी वे चुप रहते हैं। वे मर जाते हैं, जो वे जानते हैं उसे कभी धोखा नहीं देते। लाभ में एक विचित्र बात है, लोगों के ऊपर और भी अधिक संबंधों पर उसे चुप कराना होगा। और अपना रास्ता शुरू होता है यहाँ से। यहाँ से गुफा है, बर्फीला गुफा, ग्लेशियल कैफे नहीं है। रास्ता यहीं से तो कूदो। ओके, भाई पानी बहुत ज्यादा ठंडी लगने वाली है भाई। अरे कूद, अरे घुस इसके अंदर। ओके वेरी गुड। ओके एक और कैंप। अब एक काम करते हैं, अपने जो लेवल्स है ना, जो हमको स्किल पॉइंट मिले तीन, ये स्किल पॉइंट लगा लेते हैं। सबसे पहले बॉलर है, इसके अंदर एक स्किल पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद हंटिंग स्किल में भी एक लगा देंगे, उसके बाद सर्वाइवल स्किल में भी एक लगा देंगे। तीनों स्किल पॉइंट एकदम ख़त्म हो गया। अरे काम करते, वेपन्स में आई थिंक थोड़ा अपग्रेड कर सकते, इसमें अपग्रेड कर सकते हैं। किस में? अच्छा इसमें, जिसमें होल टाइम अगर ज़्यादा होगा, होल टाइम बढ़ा लिया, होल टाइम आई थिंक कम होगा, आई थिंक पता नहीं कुछ तो होगा। और वैसे इसमें भी थोड़ा अपग्रेड आया है। इसमें क्या अपग्रेड है? इसमें भी ये वाला अपग्रेड हो चुका है, इसमें पता नहीं क्या अपग्रेड हुआ है। जो भी हो, कपड़े काम करते चेंज कर लेते, ठीक है। ये वाला कपड़े पहन लेते हैं, ये वाला सही लग रहा है ना। वैसे ठंडिया जैसी लगती थी वैसे ही लगेंगी। ओके आसपास कुछ है? हाँ कुछ खजाना है यहाँ पे। भाई साहब, बेजेंटीन वॉर गैली का सेफ। लेकिन ये यहाँ पर आया कैसे? चलो देख के आते कैसे आया। It's Mongolian. They passed through here. I must be close to the lost city. Mongolian भी यहाँ से ही गए थे और हम बहुत ही ज़्यादा closed है hide city के। यहाँ पर क्या है? अच्छा, हम लोग अगर उस तरफ से जाते ना, यहाँ से जाते तो यहाँ से थोड़ा आसान रहता, लेकिन यहाँ से थोड़ा मुश्किल है। नहीं ये वाला जो रास्ता है ना, ये वाला हम तो इधर आ गए, ये वाला जो रास्ता है, यहाँ पर हम लोग मेन, ये मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और हम यहाँ से कहीं और पहुँच गए, मेन ऑब्जेक्टिव को थोड़े साइड में रखे, थोड़ा इसमें फोकल फो क्या बोलता हूँ, इसमें थोड़ा फोकस करते हैं। ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, साइड वाला ऑब्जेक्टिव है, इसमें करने भी मज़ा आएगा, बहुत सारी नई नई चीज़ें मिल सकती है। अच्छा ये ओके, क्या हो रहा है भाई? Got to crack the ice somehow. ओहो यहाँ पे हमारे पहले भी बहुत सारे लोग आए थे, ये देखो। और ये उसका
आने के बाद उसका एक्सपीरियंस शेयर करेगा। अब वह मारिया एडुला फंस गई है, बर्फ ने रास्ता दे दिया है। कठोर रीढ़ किसी भी मामले में टूट गई, जबकि मुझे उम्मीद थी। झूठे भविष्यवक्ता के खिलाफ जंगली दिल की तोपें, हम पैदल ही चलते रहेंगे। मेरे पास त्रिदेवों के क्रम में से 6 आधारित हैं और हम रहे हैं। नाविकों के भूखे रहने के दौरान भोजन और आपूर्ति का भंडारण करना, वे इसे अभी तक नहीं जानते हैं, लेकिन वे पुरुषों के कारण अपनी जान दे देंगे। और मैं इस आईसी गुफाओं से बाहर निकलने का रास्ता खोज लूंगा और पैदल चलता रहूंगा। इससे पहले कि जहाज बर्फ से दक्षिण की ओर डूब जाए, हमने संगीत सुना जो होगा हमारा पहला पड़ाव बने। लेकिन पहले मुझे आराम करना होगा। ठंड मेरी हड्डियों में समा गई है और मुझे नींद आ रही है। थोड़ी सी नींद। सबसे पहले यहाँ पे जाना, अच्छा यहाँ पे जाना पड़ेगा भाई। ओके फिर, ओ इधर से कुछ है। ओके लेट्स गो। ओके अभी हम लोग जा सकते हैं इसके से इसके ऊपर। ध्यान से जम मारना पकड़। ओके टूट गई भाई, टूट गई। भाई ये बोलते फूक गए भाई मेरे को। ये गेम की गेम ही मेरे को स्लो कर दिया था वहाँ पर जल्दी कूदने के लिए, लेकिन मैंने कूदा ही नहीं यार। तो पहली बार है मेरे को ये तोड़ने के बाद ही इसके ऊपर कूद जाना पड़ेगा। पकड़ इसको। ओके ये इधर आ गया, अब हम लोग इधर उधर सकते हैं। चलो ये तो कूद गया, अब इसके ऊपर से इसके ऊपर पहुँच जाएंगे। फिर इधर 2 जंप और हम लोग ऊपर पहुंच गए। लेट्स गो। इधर से इधर जाना है लेफ्ट में। ओके दैट वेसल मस्ट बी समवेयर अराउंड हियर टू मूव इट। अच्छा ये मूव नहीं करेगी। ओके अभी छोड़ दे, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। टूट गई। ओके टूट तो गई। नाउ टू फाइंड आउट व्हाट्स अप देयर। ओके टूट तो गई, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मेरे को यहां से जंप करके पहले यहां पे पहुंचना होगा, फिर उसके बाद यहां से हम लोग जा सकते हैं। ओके अरे पकड़ सही से यार, टूट रहा है। जंप पकड़ इसके बाद ऊपर। अरे ऊपर ऊपर भाई, यहाँ पे कुछ जल रहा है भाई। सोना वोना है क्या यहाँ पे? खजाना। Look at all this. Why were they carrying so much wealth with them? ये सारी चीजें सोना वोना की है भाई। वो कुछ है यहाँ पे लूट है। This codex details the archery techniques of the foes of the Byzantine Empire. ओके अभी हम लोग एक साथ दो तीरे मार सकते हैं भाई। एक साथ दो एरो, ऐसा ही ना कुछ, ऐसा ही तो कुछ आया है भाई। एक साथ दो एरो यहाँ पे आने का फायदा हुआ भाई, कुछ एरो भी मिल गए। ओके इसका कुछ है पत्र, ये क्या, ये भी यहाँ पे पहुंचा था ये बंदा, लेकिन इसका क्या मुंह जुबानी हम लोग सुनने वाले हैं। यह हो चुका है कैरोल्डेस और ऑर्डर ऑफ ट्रिनिटी के पागलपन की बदौलत हम यहाँ मरेंगे। मेरे जहाज को फिर कभी पानी नहीं दिखेगा। हम सर्दियों में बहुत दूर तक हिन्नत समुद्र में प्रवेश कर गए। क्या आपको वापस कर दिया जाएगा? लेकिन कर्लीडेस ने इस खोए हुए भविष्यवक्ता को नहीं छोड़ा। उसने और उसके मृत आँखों वाले योद्धाओं ने नियंत्रण हासिल कर लिया।
उसने जहाज को उथली सहायक नदियों में तब तक धकेला जब तक हम आगे नहीं जा सके। फिर उसने मेरे दल से स्लेज धावकों का निर्माण कराया और उस कमीने ने हमें जहाज को जमीन पर खींचने के लिए मजबूर किया। उसे अस्वीकार करना मृत्यु और बहिष्कार था, लेकिन यह मौत थी। किसी भी तरह से मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह हमारे साथ यहीं मर जाए। जहाज ले जाने की स्थिति में मैं हमेशा थोड़ा जहर तैयार रखता हूँ। अब इसका एक और उपयोग है। बहुत ही ज्यादा दुख हुआ इसके बारे में सुन के। आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी इधर जाना है। पकड़ो, ये साइड वाली चीजें करके हमें फायदा ही होता है, एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती है जिससे सामने वाला चीज बाद में आसान हो जाता है। अरे कूदो भाई, यहाँ से एक और रास्ता, दोनों ही रास्ते सेम ही है भाई। मैं सोच रहा हूँ इधर से एक और रास्ता है। ओ ओके, पहुंच गए। कौन सी जगह है ये पता नहीं, आगे जाके पता चलेगा। वहाँ पे कुछ है, यहाँ पे एक और लेटर है, किसका है? भगोड़ा पैगंबर साम्राज्य से बाहर चला गया है और अब उत्तर की ओर मुड़ता है। मैं अब अपरिचित क्षेत्र हूँ। ट्रिनिटी का आदेश स्पष्ट था, मुझे झूठे पैगंबर और उसके अनुयायियों का पृथ्वी के छोर तक पीछा करना है और उसके विधर्म को दूर करना है, लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं महीनों पहले उससे आगे निकल सकता हूँ। फिर भी वह मुझसे बच जाता है। वह काकेशस पर्वतों के पार काजल भूमि को पार करता है। यहाँ मैं घाटे में हूँ। मैं साम्राज्य की एक दर्जन भाषाएं बोलता हूँ, लेकिन भीतरी इलाकों में नहीं। पैगंबर, मुझे अक्सर तलवार से कुछ अधिक के साथ संवाद करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह हर भाषा बोलता है, मानो वह उन्हीं के बीच पैदा हुआ हो। ओबीएस इंस्टॉलेशन, ओहो एक और यहाँ पे कैम्प। कौन है भाई? सोफिया का आगमन हो गया भाई। I'm not your enemy. That remains to be seen. देख कर तो नहीं लगता। Killed this back there. I killed them to survive. I suspect you did too. बचने के लिए मारा था तब। तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारे पीछे जो लोग पहने थे। You should leave this place before it's too late. I can't do that. I came here for something important. So did they. If I see you again, I'll put an arrow in your throat. You and I are on the same side. I hope I can prove that to you. What's going on down there? Who? So, there are people who live out here, and they appear to have been here for a very long time, living in isolation for decades, maybe even centuries. I notice elements of her dress. Small adornments that would not have been out of place in the Byzantine Empire. Could they possibly be descendants of the Prophet's people? How much do they know about the lost city or the divine source? It's clear Trinity will do anything to find out. I'm afraid that whoever they are, they're in grave danger. Let's hope the old proverb about the enemy of my enemy remains true. Lara, ye keh rahi है, लारा ये कह रही है कि नायक का सामना अलग थलग लोगों से तो
होता है जो संभवतः प्राचीन सभ्यता के वंशज है और उन्हें अपने सुरक्षा का डर है क्योंकि ट्रिनिटी किसी भी कीमत पर खोए हुए शहर और जो डिवाइन सोर्स है उसकी तलाश करता है और लारा उम्मीद करती है कि वो लोग आम दुश्मन के खिलाफ सहयोगी बन पाए। ओके, तो हमें इस सोवियत कैंप के अंदर घुसना पड़ेगा, ठीक है, जो हम लोग अगले वाले वीडियो में घुसेंगे, फिर यहाँ पर भी तबाही मचा देंगे अगर मचाने का हो तो। और उसने, उस सोफिया ने तो बोल दिया अगली बार जब वो मिलेगी मुझसे वो दिन मेरा आखिरी होगा, लारा के लिए वो दिन आखिरी होगा, तभी वो लारा को छोड़ेगी नहीं। लेकिन देखते हैं, अगर मिलता है तो मामी उसको मार देंगे, और वो मारना चाहे तो ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो पर ही खत्म करूँगा। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।